Assalamualaikum. This is Abdul Sattar and I'm a first year medical student at Ayub Medical College, Abbottabad. So, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे NMD GATE के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स और गाइडेंस के कौन कौन से बुक्स इस्तेमाल करें, MCQs कैसे करें और पढ़े कैसे. तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हमें जो पता चला कि ये चीज़ें काम करती है, हम आप लोग को वो चीज़ें बताते जाएँ. सो हेयर आई एम और आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स और गाइडेंस लेकर आया हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल NMD GATE का पैटर्न, ये अच्छी बात हुई है कि चेंज नहीं किया उन्होंने और टेस्ट जो है वो PMC के पैटर्न पे ही बनेगा, जो मतलब कि जो पुराना हमारा वाला पैटर्न था उसी तर्ज पे ही बनेगा. तो ये एक अच्छी बात है कि MCQs उसी तरह के होंगे, क्योंकि अगर प्रोविंशियल लेवल पे हो जाता तो लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इतने कम टाइम में प्रिपेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रिपेयर किया था PMC का जो NMD GATE था उसके लिए प्रिपेयर किया था, तो अगर एंड टाइम पे चेंज हो जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती. तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोगों के लिए चेंज नहीं हुआ. बुक्स में ये है कि मैं अपने बोर्ड की तो ज़रूर पढ़नी है, अगर आपका KP बोर्ड है तो आपने उसके साथ फेडरल एंड पंजाब भी पढ़नी है. अभी मैं आता हूँ तरतीब वाइज एक एक सब्जेक्ट पे कि उसको पढ़ना कैसे है. सबसे पहले बात करते हैं फिज़िक्स की. फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे ख़ुद ही पसंद नहीं था और अभी तक नहीं है. शुक्र है कि फिज़िक्स ख़त्म हो गई है मेरी ज़िंदगी से. फिज़िक्स का ऐसा है कि फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स मुश्किल है, वो आपको भी पता है. फर्स्ट ईयर फिज़िक्स बहुत मुश्किल है और कुछ अकेडमीज़ वाले उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और इनकोरिन को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा के और बहुत ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन बता के और मैथमेटिकल चीज़ें, इसका ये फार्मूला, इसका ये और ये और ये, उस पर MCQs वगैरह करा के बहुत मुश्किल बना देते हैं. जबकि NMD GATE में इतने मुश्किल MCQs वगैरह कुछ भी नहीं आते. अपनी फिज़िक्स के लिए एक बात नोट कर लेनी है कि आपने वो MCQs बुक्स और वो चीज़ें नहीं लेनी जो आपको टेंशन दे, जो जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मैथमेटिकल चीज़ें हो, वो आपने नहीं लेनी. क्योंकि मुझे याद है मेरे टेस्ट में फिज़िक्स में सिर्फ एक था कि दो न्यूमेरिकल्स आए हुए थे और वो भी छोटे, वो इतने आसान थे कि मैं बता नहीं सकता. फिज़िक्स में वो लोग कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे सेकंड ईयर में वो EMF और उस वाले टॉपिक्स है तो उनसे दिए थे कि अगर इसमें करंट को उल्टा किया जाए तो वो कौन से साइड पर EMF होगा और कौन से साइड पर इसका करंट होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो देते हैं कि ट्रांसफार्मर के अगर लूप्स इतने हो गए, अगर उसके ज़्यादा हो गए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर क्या असर पड़ेगा, वाइंडिंग का इधर क्या असर है, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि वो जिस तरह कंसेप्चुअल होती है. तो अपनी फिज़िक्स रीड करनी है, मज़ा ये है. आपने उस पर वो रट्टे नहीं लगाने, आपने उसके वो बड़े बड़े MCQs नहीं करने, आपने फिज़िक्स को मैथ्स नहीं बनाना. मेन जो बात है वो ये है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और सेकंड ईयर दोनों अपने बोर्ड से कर लेनी है. अगर आपका KP के बोर्ड है तो वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, फिज़िक्स तीनों बोर्ड्स की एक ही जैसी है. तो फिज़िक्स आपने अपने बोर्ड की बुक से कर लेनी है और वो मोर देन एनफ है आपके लिए. कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा इधर उधर है और वो आपसे टाइम ले लेते हैं, जैसे वो इलेक्ट्रिक जो है वो हो गया, और उसके अलावा बाकी साल्ट्स वगैरह वाले जो हो गए वो आपसे टाइम लेते हैं और उन पे आपने सही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना लेने हैं, क्योंकि उनसे बहुत बफर से और उनसे बहुत मज़े के MCQs आते हैं और वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल MCQs उसमें आते हैं. तो उस पर आपने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ज़रूर बना लेना है इन चैप्टर्स का. मैं आपको खैर है एक फिर दोबारा पोस्ट भी कर दूंगा, इसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा एक एक सब्जेक्ट पे बाकायदा कि उसको आपने पढ़ना कैसे है. तो बुक में मैं आपको फिर बता दूंगा कि आपने उसको कैसे पढ़ना है. उसके सेकंड ईयर के केमिस्ट्री पे आते हैं. सेकंड ईयर केमिस्ट्री में जो मेन प्रॉब्लम होती है लड़कों के लिए वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी केमिस्ट्री ऐसी हो चुकी होगी. वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपने 7 से 8 पेजेस ले लेने हैं. जो पेज आपने लिया है मतलब आप उस पर वो कर रहे हैं, अल्कोहल का कर रहे हैं,
अल्काइल हेलाइड का करने, दरमियान में आपने उसमें वो लिख लेना है बड़ा अल्काइल हेलाइड अल्कोहल, ये जो वो उसमें लिख लेना है। इस साइड पे आपने एक प्रिपरेशन जो है वो छोटा सा, फॉर एग्जांपल ROH प्लस दिस और एक एरो लगा के अल्कोहल की तरफ लेना है कि ये दोनों इकट्ठे मिल के अल्कोहल बनाते। इस तरह दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा जितनी भी है वो इधर आ जाएंगे, दरमियान में अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ फिर एरो लगा के अल्कोहल प्लस दिस इंटू दिस, अल्कोहल प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इसकी ये रिएक्शन है और इनसे ये बनता है। उसके बाद आपने छोटा पिन लेके इन रिएक्शन के दरमियान आपने जो छोटे छोटे एरो लगाए उनमें आपने कैटलिस्ट, टेम्परेचर और बाकी सब कुछ लिख देना है और उनको हाईलाइट कर लेना है। ये आपके साथ आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी 7 to 8 pages में। 7 to 8 pages में जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ आ गई, आपने उसका क्या कर लेना है, उसको आपने लगा लेना है। आप जिधर सोते हैं या आप जिधर पढ़ते हैं आपने उसको उधर लगा लेना है। अब जब उठते हैं सुबह आप उसको एक एक नज़र देख लेना है आपने, और या आप जिस टाइम सो रहे हो आपने उसको एक नज़र देख लेना है, खाने के बाद आपने एक नज़र देख लेना है, जिस टाइम भी आपको टाइम मिले ना थोड़ा सा आप उसको एक नज़र देख लिया करें, एक पेज को देख लिया करें, खैर है। और फिर इस तरह अगले दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को। जब ये 2 महीने गुजरेंगे ना आपको पता नहीं चलेगा और आपकी केमिस्ट्री ऐसी हो चुकी होगी, आपको फिंगर टिप्स पे याद होगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक ट्रिक है और ये काम करती है, मैंने खुद इसी तरह सीखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी जो थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल ये वाइज नहीं, मुश्किल ये वाइज कि उसके आपने पंजाब भी पढ़ना है और फेडरल भी पढ़ना है, बाकी पढ़ने के लिहाज से तो बायोलॉजी सबसे आसान है, सबसे मज़े का है। और बायोलॉजी में मैं आपको चंद बातें कहता हूँ। अगर आपको कोई कहे कि आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी है सारी चीज़ें, वो वैसे कह रहा है, उस ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। फर्स्ट ईयर में मैंने एनिमेलिया नहीं किया था, एनिमेलिया एंड प्लांट ये दो चैप्टर ऐसे थे कि इनको मैंने छोड़ दिया था। सेकेंड ईयर में मैंने, मुझे फिर लग रहा था कि मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, फिर भी मैंने उसको नहीं किया। मुझे लग रहा था कि फर्स्ट ईयर वाला है तो सेकेंड ईयर में उसके लिए टाइम निकाल के याद कर लूँगा ताकि आगे फिर मसला ना हो। मैंने नहीं किया। आखिरी टाइम आ गया NMD गेट का भी, मुझे कोई कह रहा है कि इससे इतने MCQs आएंगे, कोई कह रहा है इससे इतने आएंगे, वो कोई कह रहा है इससे इतने आएंगे। मैंने सोचा कि ये मुझसे लेगा 7 या 8 दिन ये लेगा और मुझे मेरे दिमाग को इसी ख़राब कर देगा, क्योंकि वो चैप्टर मुश्किल है। मैंने उसको कर दिया स्किप। मुझे पता था इससे MCQs आएंगे, बट मुझे अंदाज़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 आएंगे, तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था बिल्कुल। और मैंने कहा इतने तो तुक्के भी लग जाते हैं ना मेरे, तो मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया। मैंने अभी तक नहीं किया। मैं खुश हूँ कि मैंने नहीं किया, क्योंकि उससे मेरे ख्याल में सिर्फ 3 MCQs आए थे मेरे लिए और उसमें तुक्के लगा कि मेरा एक भी टिक भी हो गया था। तो मैं खुश हूँ कि मैंने नहीं किया, मैंने उस पर टाइम ज़ाया नहीं किया। तो लाइक आपने खुद एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने इनहेलिया नहीं करना, मैं आपको ये कह रहा हूँ जो आपको लगे कि एक चीज़ आपसे ज़्यादा टाइम ले रही है और आपके पास टाइम नहीं है और वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपने दिमाग से हेल्प ले सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। और बाकी बायो को आपने लिंक करना है छोटी छोटी चीज़ों को। कुछ चीज़ें इस तरह होती है कि उसमें आप मतलब गलत होते जाते हैं कि ये वाला तो नहीं था, ये वाली थी, उसमें आपकी कन्फ्यूजन होती है। तो मेरे साथ मेरा दोस्त रूम में, तो हम ऐसे करते थे कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिंक कर लेते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो कोलेजन टाइप 1 है वो बनाता है बोन्स को, और कोलेजन टाइप 2 जो है वो बनाता है कार्टिलेज को। तो अभी इसको मैंने किस तरह याद किया, तो मैंने कहा उधर मैं गलत ना हो जाऊँ। मैंने और मेरे दोस्त ने उस, वो कहते हैं कि बोन जो है वो सख्त है, एक नंबर चीज़ है, तो बोन बनेगा कोलेजन टाइप 1 से, और जो कार्टिलेज है दो नंबर चीज़ है, जल्दी टूट जाती है, और ये तो वो 2 नंबर है तो कोलेजन टाइप 2 से चलता है। ऐसे हमने उसको एक छोटी छोटी चीज़ों के साथ लिंक करके हमने याद किए थे, और फिर वो आपसे कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते वो। आप इस तरह लिंक करते जाए चीज़ों को। इसके बाद है इंग्लिश।
इंग्लिश के लिए आपको लिए स्पेसिफिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपका दिल करता है तो वो किप्स के मेरे ख्याल में इंग्लिश के इतने नोट्स से है, वो आपने देख लेने हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी। बट इंग्लिश के लिए आपको कोई इतनी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका आराम से हो जाएगा। चंद चीज़ें हैं, आप टेस्ट वगैरह दे रहे संडे टेस्ट, उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि आप किस चीज़ में वो है एक्टिव पैसिव, और ये चीज़ जो चीज़ आपको नहीं आती फिर वो चीज़ आप पढ़ लें किसी भी यूट्यूब वीडियो या किसी बुक से पढ़ लें, वो आप आराम से कर लेंगे। लॉजिकल रीजनिंग उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप कर लेंगे आराम से। अच्छा, अभी आता है सबसे मेन मसला, एकेडमी ज्वाइन करें या ना करें। मैं जो रिकमेंड करूँगा खुद कि देखें, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको लगता है कि आपको चीज़ें आ रही है, एक दफ़े सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है और उसमें, तो आप एकेडमी ना करें, आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर में सही नहीं पढ़ा या सेकंड ईयर में सही नहीं पढ़ा, बहुत सारे चैप्टर्स आप इस तरह है कि उनके आपको कख भी समझ नहीं आ रही, तो आप एकेडमी चले जाएँ फिर ज़रूर। और एकेडमी में आपने देखना है कि आपने ऐसी एकेडमी जाना है कि जहाँ पे आपको वो ये लंबे लंबे मैथमेटिकल चीज़ें और ये ईटर टाइप की चीज़ें ना पढ़ाएं, क्योंकि ये इनडिकेट है। पिछले साल पर बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि हमने एकेडमी में टाइम ज़ाया किया है, एकेडमी ने हमारा टाइम ज़ाया किया है, एकेडमी ने हमारा टाइम ज़ाया किया है। तो फिर आप दोबारा वो कहने वाले ना बन जाए कि एकेडमी ने हमारा टाइम ज़ाया किया है, आपको पहले से पता हो और आप पहले से एक डिसीजन आपने ली हो एकेडमी के लिए, ये है आप करना चाहते हैं अच्छा है, आप ना करना चाहते हैं और भी अच्छा है। एनएमडीकेट में ज़्यादा मैटर करता है कि आपने बुक रीडिंग कितनी की, आपने बुक को कितनी दफ़ा रीड किया है, कैसे रीड किया है, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो बुक्स के लाइन से बनते हैं, सही बात है, आम आम कॉन्सेप्ट से बनते हैं, आपने बुक रीड की है आपको आपको आते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्टडी रूटीन का। स्टडी रूटीन में एक बात है, अगर कोई आपको कहता है कि आप सुबह सवेरे उठें और आपका दिमाग बड़ा फ्रेश होता है और ये है, और आप सुबह सवेरे नहीं उठने वालों में से नहीं है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी कि आप सुबह नहीं उठे तो आप गए, आपने नहीं करनी। मैं खुद भी नहीं उठा, मैं अभी तक मैंने कभी सुबह नहीं पढ़ा और ना मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे सुबह नींद आती है, नहीं पढ़ सकता मैं सुबह, मैंने सुबह कभी नहीं पढ़ा। आप रात को पढ़ने वाले हैं, आप रात को पढ़ें, दिन को पढ़ने वाले हैं, आप दिन को पढ़ें, आप जिस टाइम भी अच्छा पढ़ सकते हैं उस टाइम पढ़ें। और एक एक और चीज़ जो मैंने देखा है जो मैटर करती है रिगार्डिंग टू स्टडी, ये मेरे दिमाग में अभी एक टिप आ गया, आप अलग अलग जगह पे पढ़े, उससे आपकी मेमोरी बनती है। आप एक चैप्टर बनती है वो आप अलग जगह पर पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी बन जाती है, उस जगह के साथ लिंक हो जाती है। और जो 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 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने उसको देखा था, जो चंद मुश्किल चीज़ें थी वो मैं इसी तरह करके कोई स्पेसिफिक जगह पे पढ़ लेता था तो मुझे उसके साथ वो लिंक हो जाता था। और एक और बात मैं दोबारा कहूँगा, आपको कहता है कि आपने 18-18 घंटे पढ़ना है, आपने 16-16 घंटे पढ़ना है, इसके बगैर आपका मेडिकल भी नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, दिस इज़ कम्प्लीटली बुलशिट, झूठ है, इस तरह नहीं है। नींद आपने अपनी पूरी करनी है, सही दबा के सोना है 8 घंटे, और आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खाना सही दबा के खाना है, मज़े का डाइट आपकी सही अच्छी होनी चाहिए। आप जब 4-4 घंटे सोते हैं ना, आपको लगता है कि आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, आप अपने दिमाग की मेंटल लेवल को कम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, आपका दिमाग की एफिशिएंसी कम होती जाती है। जब आप अच्छी नींद करते हैं, आप फ्रेश रहते हैं, तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। मैंने कभी भी किसी भी दिन मैंने 8 या 9 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा था और आराम से हो गया था, सब कुछ हो जाता है आराम से। आप करना चाहें आखिरी दिन, चलो आखिरी हफ्ता एक हेक्टिक रूटीन अगर आप अपने लिए रख भी ले, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आप 16 घंटे भी पढ़ ले बेशक, आप 15 घंटे भी पढ़ ले बेशक, बट स्टार्ट से नहीं, आप थक जाते हैं, दिल का एक बंदे का जोर होता है ना, आप 18-18 घंटे पढ़ें, आप 16-16 घंटे पढ़ें, आप हफ्ते आपने हफ्ता पढ़ा नहीं होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा पढ़ने को। तो इसलिए इजी इजी रहे, आराम से पढ़े, इजी रहे।
और रूटीन, अगर आप स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो कर सकते हैं तो आप बेहतर जानते हैं अपने लिए। चैप्टर की एक लिस्ट अपने लिए बना ले कि मैंने ये चैप्टर इतने दिन में करना है, दिनों के हिसाब से, और इस तरह नहीं करने के। चैप्टर को आपने देखना भी है कि ये चैप्टर कितने दिन का है। अगर एक चैप्टर एक दिन का है तो उसको 2 दिन पर आपने नहीं देने, उसको आपने एक दिन में ही करना है। हर एक चैप्टर के लिए अपने अपने डेज रख ले, तो उससे वो भी आपके इंशाल्लाह कवर अप हो जाते हैं फिर इसी तरह से। तीसरी चीज़ आ जाती है मोटिवेशन, कि स्टडी के लिए दिल नहीं करता और 2 महीने हैं पेशावर में, लोग घूमने फिरने लग जाते हैं, या पिंडी में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, जो जिधर भी एकेडमी कर रहा है, फिर वो कहते हैं चिल करने लग जाते हैं, आपने चिल नहीं करना, आपने वो नहीं करना। ये 2 महीने आप इस तरह कंसिडर कर लें कि ये आपकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं, ये इसको आप ज़िंदगी से निकाल लेना है। इसमें आप अपने आप को ख्वार करें थोड़ा, और लोगों से कट ऑफ हो जाए, और अपना आराम से पढ़े, और एक दो सिंसियर दोस्त जो स्टडी वगैरह वाले हैं उन किसी के साथ चीज़ें डिस्कस किया करें, और एक 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 अदद सीनियर से ज़रूर गाइडेंस ले लिया करें, उनसे बात कर लिया करें। और जो आप डीमोटिवेट फील करते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया था, कि जो मेडिकल स्टूडेंट के वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें मैं देख लेता था, मुझे बड़ा अच्छा लग जाता था, मैं दोबारा से मोटिवेट हो जाता था पढ़ने के लिए कि यार मैंने इधर जाना है। अपने जिस कॉलेज, जो कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है, आप उसकी वीडियोज़ वगैरह देखा करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और बाकी अपने अम्मी अब्बू से बात कर लिया करें, और उस बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, क्योंकि ये देखे उनकी हमसे ड्रीम्स होती है, उनके ख्वाब है कुछ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं हम उन्हें पूरा करें, और हमारे अपने भी ख्वाब हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आपने कुर्बानी देनी है, टाइम की कुर्बानी देनी है, आपने अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है ये 2 महीनों में। तो प्लीज़ खुद पे रहम करें और अपने घर वालों पे रहम करें, और पढ़ें सही, दबा के पढ़ें, सही मज़े से पढ़ें, स्टडी से मज़ा ले, उसको अपने लिए टेंशन ना बनाए, मज़ा ले, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक इंजॉय करेंगे, ये अच्छे दिन है, ये फिर आपको याद आएंगे इंशाल्लाह अगले साल जब आप मेडिकल कॉलेज में बैठे होंगे, फिर आपको याद आ रहे होंगे ये सारे दिन। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड इंशाल्लाह अगले साल आप लोगों ने भी वाइट कोट पहना होगा। अल्लाह हाफिज़।